हेलो नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए क्या हूँ इतिहास आज जो शुरू करने जा रहे हैं, आधुनिक इतिहास शुरू होगा। अब तक हमने प्राचीन इतिहास पूरा कवर कर लिया है, तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो उनको आप वॉच कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप प्राचीन इतिहास के सारे वीडियो बल्ला नब्बे में दिए हुए हैं। ठीक है, बता दें आपको कि हम पूरा हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी मैंने बायोलॉजी का वीडियो डाल रखा है, तो आप उसको अवश्य देख लें। तो हम सारे जीएस के जितने कोर्स हैं सबको कवर करेंगे, उसमें करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास का पहला वीडियो है, ठीक है, ये हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास के समय। ये सिंधु को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था, सिंध का, तो 1843 ईस्वी में किस यूरोपीय ने शिवाजी को तोप प्रदान की थी, तो वो पुर्तगाल ने की थी। किस यूरोपीय शक्ति ने, ठीक है, शक्ति है ना, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है या टाइप करने में प्रॉब्लम हो गई है, ये ले लेता है, थोड़ा गड़बड़ कर देता है। ठीक है, चलिए इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। ये है ना, ये शक्ति लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ शक्ति है। ठीक है, किस यूरोपीय शक्ति ने, किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोप, तोप लिखा है, तोप प्रदान की थी, तो वो पुर्तगाल में प्रदान की थी। आगे है, किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने, जो पुर्तगाल पर जो कब्जा किया था, अधिकार किया था, वो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी लाहौर में थी। रणजीत सिंह थे, उनकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी। रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी, वो राजनीतिक राजधानी थी कहाँ पर, लाहौर में, और धार्मिक राजधानी अमृतसर में थी। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था, तो जॉन हॉकिंस को भेजा था। ठीक है, ऐसी याद है, जॉन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। किस युग में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था, तो बॉन्डिंग्स बॉस की लड़ाई में, बॉन्डिंग बॉस की लड़ाई में फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त, प्राप्त नहीं, परास्त कर हरा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था, वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो पुर्तगालियों ने भारत के लिए समुद्र की खोज की थी। ठीक है, जब कस्तुंतुनिया पे अधिकार हो गया था, कस्तुंतुनिया जो स्थल मार्ग था उसे बंद कर दिया गया था, तो जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे, तो खास करके पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया था। तो उसमें पुर्तगाली जिसने भारत की खोज की थी, वो सबसे पहले भारत में आया था समुद्री मार्ग से। इंडिया का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल शासक कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, मिस्टेक प्रिंटिंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो अकबर के समय हुआ था। उस समय जो भारत का जो शासक था वो अकबर था। जब उधर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही थी, तब हमारे यहाँ अकबर शासन कर रहा था। किस युग में भारत में संसदों के भाग्य का निर्णय हुआ, संसद शासकों के भाग्य का, ठीक है, तो बॉडी बॉस की लड़ाई में। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो डी अल्मीडा था।
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कालबर्ट, ठीक है, किसे माना जाता है? कालबर्ट को 1960। डेट प्रिंटिंग में डेट गड़बड़ है, ठीक है, डेट सही नहीं है इसमें। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। सबसे पहले कौन सा यूरोपीय विदेशी भारत में आया था? तो पुर्तगाली 1498 में आया था। कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। कौन से यूरोपीय व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आए थे? तो फ्रांसीसी। ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना खोलने की अनुमति मिली थी? तो मसूली पट्टनम में उन्हें पहला कारखाना खोलने की अनुमति मिली थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था और कहाँ? तो उन्होंने 1668 में सूरत में किया था। किसने? फ्रांसीसियों ने। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। किस अंग्रेज को जागीर के खान की उपाधि प्रदान किया था? किस अंग्रेज को? ठीक है, तो सर थॉमस रो को खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बेलू तंपी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था तो मैसूर में। ठीक है, मैसूर में जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था बेलू थंपी ने। सराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त कर कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में सराजुद्दौला कुशासन आएगा। ठीक है, अब लिख देते हैं कुशासन। ठीक है, कुशासन के आधार पर उसे अपने राज्य में मिलाया था। आगे, किसके द्वारा बंगाल का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। सबसे पहले किस मराठा सम्राट ने लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। आगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक थे। किस युद्ध में भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रभुत्व स्थापित किया गया था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली का शासक था। 1857 का गदर असफल रहा था, न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता, न तो उनको मंत्री था, उनको डील करने वाला कोई नहीं था, इसलिए असफल हो गया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे, मंगल पांडे ने मध्य कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला ब्रिटिश नायक नील दर्पण किसने लिखा था? तो
कृष्ण बंधु मित्र ने लिखा था। किस अंग्रेजों ने के विरुद्ध वर्ष 1857 के संघर्ष में भाग लिया? किसने अंग्रेजों के विरुद्ध वर्ष 1857 के संघर्ष में भाग लिया था? तो टीपू सुल्तान। सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 के विद्रोह में कहाँ के नेता थे? तो बिहार से। इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? डीवी सावरकर। 1857 के विद्रोह के दौरान का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? मंगल पांडे। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह में भाग नहीं साहूकार था। साहूकार भी इसे आगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था क्या? लड़ाई का तो सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता की लड़ाई का। लखनऊ से किसने नेतृत्व ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक गोखले। ऐसी सोसाइटी एग्लो ओरिएंट स्थापित किया था? तो इसे स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान। आगे शुरू करते हैं। कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की थी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम बताइए? द बंगाल गजट। लॉर्ड मैकाले किस लिए विख्यात हुए? शिक्षा कार्य वृद्धि में रचना के लिए। शिक्षा की जो कार्य पद्धति उसमें रचना के लिए। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स बिल्किंस। ठीक है। मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? जॉब चारनाक ने की थी। ठीक है। ब्रिटिश द्वारा निर्मित प्रथम किला कौन सा है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है। जो सेंट जॉर्ज फोर्ट है उसका निर्माण सबसे पहले ब्रिटिश ने कराया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच 1583 ईस्वी में। यहाँ पर हमारी क्लास फिनिश हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी नेक्स्ट इससे आगे टॉपिक नेक्स्ट क्लास।